भिगो के डालें, फिर बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। ये काला चना और फिर ये मूंग, ये भी सब अंकुरित। फिर ये मूंगफली, हाँ, ये मूंगफली भी एकदम ऑर्गेनिक का पतंजलि की तगड़ी वाली मूंगफली है। ये थोड़ी पतली वाली मूंगफली, और ये सोयाबीन, सोयाबीन का पूरा छिलका उतार दिया, और छिलका उतार करके ये बहुत अच्छी हो जाती है। और फिर देखो ये जो ये है ना सोया बड़ी, इसको भिगो करके, हाँ, लोग हर चीज को तल तल के खाते रहते हैं। हाँ ठीक है, इसकी सोयाबीन की टिकिया भी बताई थी, जैसे अभी शो की शुरू में कह रही थी हमारी बहन मीनाक्षी जी। अब इसमें देखो अनारदाना डाले, अब देखो कितना रंगीन हो जाता है। फिर इसमें थोड़ा सा गाजर डाले। ए सची भूषण इधर आ, ये खाया कर, अब तूने आठ कबाड़ तो बहुत खाया। अलग अलग प्रकार के पत्ते डाले, थोड़ा सा टमाटर भी डाले, और फिर इसमें थोड़ा सा प्याज डाल दी, ये डाइजेस्टिव भी हो जाता है। और फिर थोड़ा धनिया डाल दिया, और ऊपर से इसमें थोड़ा सा हमने एक जो है ये चाट मसाला बना रखा है, चाट मसाला या हिंग मस्टर्ड पाउडर, वो थोड़ा सा डालना, ज्यादा नहीं। और फिर थोड़ा सा डाला और इसमें नींबू, और अब ये तैयार हो गया मामला पोहा। आ गया सभी की थाली भरी नजर है खाने वाला। हाँ मुझे पहले मिल जाते मैं मोटा होता ही। अब तेरे को ये राम श्याम के साथ में खाना तो ऐसे जो खाएंगे, हाँ चम्मच भी चाहिए इसको। हाँ और भाई बाकी तो बहुतों की निगाह इधर टिकी हुई है, लेकिन ये स्वामी जी सच में ये था मेरे पास। स्वामी जी वैसे भी आप सब में बांटिए, अब जो ऐसे खाएंगे समाचार की ओर बढ़ते हैं स्वामी जी। बड़ा कल फिर मिलेंगे ना जी, कल फिर तो मिलेंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद, समाचार की ओर बढ़ो। बहुत बहुत जी।